श्रीमद् भागवत महापुराण एकादश स्कंद अध्याय एक। श्रीमद् भागवत महापुराण एकादश स्कंद प्रथम अध्याय। यदुवंश को ऋषियों का शाप। व्यासंदन भगवान श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी तथा अन्य यदुवंशियों के साथ मिलकर बहुत से दैत्यों का सहार किया तथा कौरव और पांडवों में भी शीघ्र मारकाट मचाने वाला अत्यंत प्रबल कलह उत्पन्न करके पृथ्वी का भार उतार दिया। कौरवों ने कपटपूर्वक जुए से, तरह तरह के अपमानों से तथा द्रौपदी के केश खींचने आदि अत्याचारों से पांडवों को अत्यंत क्रोधित कर दिया था। उन्हीं पांडवों को निमित्त बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों पक्षों में एकत्र हुए राजाओं को मरवा डाला और इस प्रकार पृथ्वी का भार हल्का कर दिया। अपने बाहुबल से सुरक्षित यदुवंशियों के द्वारा पृथ्वी के भार राजा और उनकी सेना का विनाश करके प्रमाणों के द्वारा ज्ञान के विषय न होने वाले भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि लोक दृष्टि से पृथ्वी का भार दूर हो जाने पर भी वस्तुतः मेरी दृष्टि से अभी तक दूर नहीं हुआ, क्योंकि जिस पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता वह यदुवंश अभी पृथ्वी पर विद्यमान है। यह यदुवंश मेरे आश्रित है और हाथी, घोड़े, जनबल, धनबल आदि विशाल वैभव के कारण उच्छृंखल हो रहा है। अन्य किसी देवता आदि से भी इसकी किसी प्रकार पराजय नहीं हो सकती। बास के वन में परस्पर संघर्ष से उत्पन्न अग्नि के समान इस यदुवंश में भी परस्पर कलह खड़ा करके मैं शांति प्राप्त कर सकूंगा और इसके बाद अपने धाम में जाऊंगा। राजन, भगवान सर्वशक्तिमान और सत्य संकल्प हैं। उन्होंने इस प्रकार अपने मन में निश्चय करके ब्राह्मणों के शाप के बहाने अपने ही वंश का सहार कर डाला, सबको समेटकर अपने धाम में ले गए। परीक्षित, भगवान की वह मूर्ति त्रिलोकी के सौंदर्य का तिरस्कार करने वाली थी। उन्होंने अपनी सौंदर्य माधुरी से सबके नेत्र अपनी ओर आकर्षित कर लिए थे। उनकी वाणी, उनके उपदेश परम मधुर दिव्याति दिव्य थे। उनके द्वारा उन्हें स्मरण करने वालों के चित्त उन्होंने छीन लिए थे। उनके चरण कमल त्रिलोक सुंदर थे। जिसने उनके एक चरण चिन्ह का भी दर्शन कर लिया उसकी बहिर्मुखता दूर भाग गई, वह कर्म कृपंत से ऊपर उठकर उन्हीं की सेवा में लग गया। उन्होंने अनायास ही पृथ्वी में अपनी कीर्ति का विस्तार कर दिया, जिसका बड़े बड़े सुखियों ने बड़ी ही सुंदर भाषा में वर्णन किया है। वह इसलिए कि मेरे चले जाने के बाद लोग मेरी इस कीर्ति का गान श्रवण और स्मरण करके इस अज्ञान रूप अंधकार से सुगमत्या पार हो जाएंगे। इसके बाद परमेश्वरशाली भगवान श्री कृष्ण ने अपने धाम को प्रयाण किया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवन, यदुवंशी बड़े ब्राह्मण भक्त थे, उनमें बड़ी उदारता भी थी और वे अपने कुल वृद्धों की नित्य निरंतर सेवा करने वाले थे। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उनका चित्त भगवान श्री कृष्ण में लगा रहता था, फिर उनसे ब्राह्मणों का अपराध कैसे बन गया और क्यों ब्राह्मणों ने उन्हें शाप दिया? भगवान के परम प्रेमी विप्रवर उस शाप का कारण क्या था तथा क्या स्वरूप था? समस्त यदुवंशियों के आत्मा स्वामी और प्रियतम एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही थे, फिर उनमें फूट कैसे हुई? दूसरी दृष्टि से देखें तो वे सब ऋषि अद्वैत दर्शी थे, फिर उनको ऐसी भेद दृष्टि कैसे हुई? यह सब आप कृपा करके मुझे बतलाइए। श्री शुकदेव जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने वह शरीर धारण करके जिसमें संपूर्ण सुंदर पदार्थों का सन्निवेश था, नेत्रों में मृगनयन, कंधों में सिंह स्कंद, करों में करिकर, चरणों में कमल आदि का विन्यास था,
पृथ्वी में मंगलमय कल्याणकारी कर्मों का आचरण किया। वे पूर्ण काम प्रभु द्वारका धाम में रहकर क्रीड़ा करते रहे और उन्होंने अपनी उदार कीर्ति की स्थापना की। जो कीर्ति स्वयं अपने आश्रय तक का दान कर सके वह उदार है। अंत में श्रीहरि ने अपने कुल के संहारूप संहार की इच्छा की, क्योंकि अब पृथ्वी का भार उतरने में इतना ही कार्य शेष रह गया था। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे परम मंगलमय और पुण्य प्रापक कर्म किए जिनका गान करने वाले लोगों के सारे कलिमल नष्ट हो जाते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण महाराज उग्रसेन की राजधानी द्वारकापुरी में वसुदेव जी के घर यादवों का सहार करने के लिए काल रूप से ही निवास कर रहे थे। उस समय उनके विदा कर देने पर विश्वामित्र, असित, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ और नारद आदि बड़े बड़े ऋषि द्वारका के पास ही पिंडारक क्षेत्र में जाकर निवास करने लगे थे। एक दिन यदुवंश के कुछ उद्दन कुमार खेलते खेलते उनके पास जा निकले। उन्होंने बनावटी नम्रता से उनके चरणों में प्रणाम करके प्रश्न किया। वे जाम्बवती नंदन साम को स्त्री के वेश में सजा कर ले गए और कहने लगे, ब्राह्मणों, यह कजरारी आंखों वाली सुंदरी गर्भवती है। यह आपसे एक बात पूछना चाहती है, परंतु स्वयं पूछने में सकुचाती है। आप लोगों का ज्ञान अमोघ बाद है, आप सर्वज्ञ हैं। इसे पुत्र की बड़ी लालसा है और अब प्रसव का समय निकट आ गया है। आप लोग बतलाइए, यह कन्या जानेगी या पुत्र? परीक्षित, जब उन कुमारों ने इस प्रकार उन ऋषि मुनियों को धोखा देना चाहा, तब वे भगवत प्रेरणा से क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, मूर्खों, यह एक ऐसा मूसल पैदा करेगी जो तुम्हारे कुल का नाश करने वाला होगा। मुनियों की यह बात सुनकर वे बालक बहुत ही डर गए। उन्होंने तुरंत सांप का पेट खोलकर देखा तो सचमुच उसमें एक लोहे का मूसल मिला। अब तो वे पछताने लगे और कहने लगे, हम बड़े अभागे हैं। देखो, हम लोगों ने यह क्या अनर्थ कर डाला, अब लोग हमें क्या कहेंगे। इस प्रकार वे बहुत ही घबरा गए तथा मूसल लेकर अपने निवास स्थान में गए। उस समय उनके चेहरे फीके पड़ गए थे, मुख कुंभला गए थे। उन्होंने भरी सभा में सब यादवों के सामने ले जाकर वह मूसल रख दिया और राजा उग्रसेन से सारी घटना कह सुनाई। राजन, जब सब लोगों ने ब्राह्मणों के शाप की बात सुनी और अपनी आंखों से उस मूसल को देखा, तब सबके सब द्वारकावासी विस्मित और भयभीत हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि ब्राह्मणों का शाप कभी झूठा नहीं होता। यदुराज उग्रसेन ने उस मूसल को चूरा चूरा करा डाला और उस चूरे तथा लोहे के बचे हुए छोटे टुकड़े को समुद्र में फेंकवा दिया। इसके संबंध में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कोई सलाह न ली, ऐसी ही उनकी प्रेरणा थी। परीक्षित, उस लोहे के टुकड़े को एक मछली निगल गई और चूरा तरंगों के साथ बह बह कर समुद्र के किनारे आ लगा। वह थोड़े दिनों में एरक बिना गांठ की एक घास के रूप में उग आया। मछली मारने वाले मछुओं ने समुद्र में दूसरी मछलियों के साथ उस मछली को भी पकड़ लिया। उसके पेट में जो लोहे का टुकड़ा था उसको जरा नामक व्याध ने अपने बाण के नोक में लगा लिया। भगवान सब कुछ जानते थे, वे इस शाप को उलट भी सकते थे, फिर भी उन्होंने ऐसा उचित न समझा। कालरूपधारी प्रभु ने ब्राह्मणों के शाप का अनुमोदन ही किया।